इन दिनों आगर मालवा की जनता झोलाछाप डॉक्टरों से अपना उपचार करवा रही है। ये झोलाछाप भी उपचार करने से नहीं कतरा रहे, प्रतिदिन इनके क्लिनिक के बाहर इलाज करवाने वाले लोगों का हुजूम लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों को इसकी खबर नहीं है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी इन पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। हमारी टीम नगर में संचालित इन झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिकों पर पहुंची तो स्थिति दयनीय नजर आई। कहीं 10वीं तो कहीं 12वीं पास युवक इनका बेधड़क उपचार करते पाए गए। इन झोलाछाप डॉक्टरों से बात करने के बाद हमारी टीम ने ब्लॉक मेडिकल अफसर से भी चर्चा की। उन्हें इन झोलाछाप डॉक्टरों के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन वह इन झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्यवाही करने के मूड में नहीं दिखे। अधिकारी के अनुसार नगर में झोलाछाप डॉक्टरों पर इसी वर्ष फरवरी माह में कार्यवाही की गई थी, उसके बाद भी अभी तक इन पर कार्यवाही नहीं की गई। आगर मालवा से न्यूज एक्सप्रेस के लिए जीए सूर्यवंशी की रिपोर्ट। कितने क्लिनिक बड़ौद में चल रहे हैं आपके जानकारी में, कितने क्लिनिक हैं? ऐसी मेरी जानकारी में जो क्वैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं झोलाछाप, वो तकरीबन 17-18 हो गए। 17-18 हैं, यानी कि आपको मालूम है कि 17-18 डॉक्टर बड़ौद में देख रहे हैं झोलाछाप? झोलाछाप देख रहे, डॉक्टर नहीं देख रहे, वो झोलाछाप हैं, डॉक्टर का काम कर रहे हैं वो। फिर आपके द्वारा अभी तक उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? 18 फरवरी 2018 में अंतिम कार्रवाई हुई, जिसका 18 फरवरी को आपने बताया कि आपने 3 क्लिनिक को कार्रवाई करी, लेकिन अभी आप बोल रहे हो 16 या 17 चल रहे हैं, तो उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जैसी जिनकी जानकारी आई थी, जिस दिन हमारी टीम गठित होकर जिला से आई थी, उस दिन उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, बाकी की जो नहीं पाए गए उनके खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है। तो सर अभी जो करने के लिए बोला गया, अभी जो चल रहा है उन पर क्या कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? वापिस से किसी दिन हमारा दल अचानक अचौक भ्रमण कर उनको, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। काय में होम्योपैथिक, होम्योपैथिक में कौन कौन से पेशेंट देख सकते हो? जनरली छोटे मोटे पेशेंट देखा, छोटे मोटे एलर्जी सर्दी खांसी बुखार वाले छोटे। आप पेशेंट एडमिट भी करते हो? नहीं करते। होम्योपैथिक में कौन कौन सी बॉटल आती है जो आप पेशेंट एडमिट करते हो? नहीं, एडमिट नहीं करते। आपके अंदर बेड लगे हुए पेशेंट हैं अंदर? अरे वो एक्चुअली क्या है कि कोई अगर मान लो सीरियस कोई तेज बुखार वाला है तो थोड़ी देर उसको लेटा देते हैं। तो आप ऐसे लेटा देते, आपको है उसका अधिकार कि आप किसी भी बुखार वाले पेशेंट को एडमिट कर सकते हो? नहीं, ज़्यादा तेज वाले बुखार को तो हम गवर्नमेंट में भेज देते हैं, सर के पास भेज देते हैं, सुडियार सर के पास भेज देते हैं। आपके क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन है? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन नहीं है मेरा क्लिनिक। नहीं है, किस नाम से क्लिनिक? सर स्वास्तिक दवाखाना। किस नाम, कितने दिन से चला रहे हो आपके क्लिनिक? मेरे को करीब 1.5-2 साल हो गए सर। 1.5-2 साल हो गए, 1.5-2 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हो? मैंने अप्लाई करा था रजिस्ट्रेशन के लिए सर।